मोहतरम उस्ताज़ अकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के बारे में बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तकाज़ा यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दुरूद भेजा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए 10 रहमतें फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। आफियत का मफहूम, आफियत के लफ्ज़ी मायनी तंदुरुस्ती और सलामती के हैं। दुरूद पढ़ने वालों को ईमान की सलामती, सेहत और बेशुमार रूहानी और बदहिफाजी से निजात मिलती है। दुरूद ना पढ़ने वाले को आप सल्लम ने बदबख्त, बदनसीब और बखील कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त और बदनसीब है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। इस हदीस में सबक हमें मिलता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़े और आखिरत में कामयाबी का रास्ता बनाएँ। शुक्रिया।